अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ हशाम भाट और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक जीनियस। दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे रॉक मास के 4 चैनल कार एम्पलीफायर की, कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है। जो कि अक्सर दोस्तों, मैंने आपको बताया था लास्ट स्टूडियो में कि एम्पलीफायरों में प्रोटेक्शन सिस्टम लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो ट्रिप कर देते हैं। ये भी एम्पलीफायर चलते चलते ट्रिप हो गया, जो कि इसके ऊपर मैंने ओवरलोड डाला था, जिसकी वजह से ट्रिप हो गया है। तो अब ये ऑन नहीं हो रहा, ज़रा मैं आपको दिखा दूँ ऑन करके। जो कि मेरे पास ये 12 वोल्ट 35 एम्पीयर की बैटरी है, तो मैं ये इसके साथ अटैच करता हूँ। इसकी या तो आप गलत पोलैरिटी में लगाएं तब भी आपका एम्पलीफायर ख़राब होता है, या आप ज़्यादा ओवर लोड डालें तब भी आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। तो अगर हम आपको आप ये देख सकते हैं, इंडिकेटर ऑन हो के बंद हो जाती है, जो कि प्रोटेक्शन की इंडिकेटर है। तो जाहिर सी बात है, या तो इसके फ्यूज़ में मसला आया होगा, या तो इसके अंदर मेन बोर्ड में मसला आया होगा। तो ज़रा हम इसको ओपन कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आगे देख सकते हैं कि इसके पीछे ये 2 फ्यूज़ लगे हुए होते हैं, आगे देख सकते हैं, जो कि 30 एम्पीयर के ये। तो ज़रा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ जल्दी से, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने तार निकाल चुके हैं। आपको इसके लिए चाहिए ये प्लास चाहिए, इसको हम अपनी ज़ुबान में चूहा प्लास कहते हैं। तो आपने इसको इधर रखना है, बड़े प्यार से आपने इसको उतारना है, ताकि इसके नके ना टूटें। आपने इधर से पहले हल्का हल्का इसको हिला देना है, तो थोड़ा सा ज़ोर लगाना है, तो ये निकल आया। आप देख सकते हैं, हम इसको साइड पर रख देते हैं अभी, और दूसरा भी निकाल लेते हैं। ये हमने निकाल लिया, ज़रा हम इसको साइड पर करते हैं अभी। तो जी हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये ख़राब हो चुके हैं, बर्न हो चुके हैं। आपको ये नज़र आ रहा होगा, जो अंदर से ख़राब हो गए हैं। दूसरा भी ख़राब हो चुका है, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी तो वैल्यू पढ़ने का तरीका कार है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, जो कि इसके ऊपर 30 लिखा है, तो इसका मतलब ये 30 एम्पीयर का एक फ्यूज़ है। आप ये देख सकते हैं, दोनों 30 एम्पीयर के हैं। तो ज़रा मैं अपना बॉक्स चेक कर लेता हूँ, फिर इसमें मैं लगा लेता हूँ। जी तो दोस्तों, मैं फ्यूज़ निकाल लिया, आप ये देख सकते हैं, जो कि मेरे पास भी पड़े हुए हैं 30 एम्पीयर के। आप ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। जो कि मैं आपको पुराने वाले दिखाऊँ, आप ये देख सकते हैं, ये पुराना वाला था, आप ये देख सकते हैं, ये अंदर से बर्न हो चुका है, और आप ये देख सकते हैं फ़र्क, दोनों 30 एम्पीयर के हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ज़रा मैं इनको लगा लेता हूँ। तो सेम वही तरीका कार है, इसमें कोई नहीं, आप जो मस्जिद लगा लें, इनमें कोई सिस्टम नहीं होता। तो आपने उसी तरह बड़े ही प्यार के साथ में अंदर लगा लेने हैं इसी तरह। लग गया है, जी तो ये लग चुके हैं। ज़रा हम कनेक्शन करके ऑन करके देख लेते हैं कि आया ये रिपेयर हुआ है कि नहीं। तो ज़रा मैं जल्दी से लगा लेता हूँ तारें। कोशिश करें प्यार के साथ काम करें, क्योंकि ये पहले भी हमको बता चुका हूँ कि नीचे प्लास्टिक के सिस्टम होता है, वह ऊपर ही है कॉपर का इन्होंने बनाया हुआ होता है, जो कि तारों को अच्छी प्रोटेक्शन देता है। तो मैं लगा ली, ये तो हम लगा चुके हैं, अब बाहर आ जाती है फाइनल टेस्ट करने की। तो हम जस्ट को लगा लेते हैं, कोशिश करें ठीक पोलैरिटी में लगाएं। अगर आप गलत पोलैरिटी लगाते हैं तब भी उसकी वजह से भी आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाता है। जो लगाते हैं, आप ये देख सकते हैं, हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है। हम वापस उतार लेते हैं, क्योंकि पहले इसमें प्रोटेक्शन इंडिकेटर ऑन हो रही थी, क्योंकि उसका फ्यूज़ ख़राब था। अब हमने फ्यूज़ चेंज कर लिया, आप ये देख सकते हैं, हमारा एम्पलीफायर यानी ठीक हो गया है। तो दोस्तों, कई दोस्त मेरे से पूछते हैं एम्पलीफायर के अंदर कौन ऐसा क्या सिस्टम होता है जो हमारे बूफर को और हमारे स्पीकरों को अच्छी आवाज़ प्रोवाइड करता है। तो ज़रा मैं इसको ओपन भी करके दिखा देता हूँ क्या सिस्टम होता है, क्योंकि ये कंपनी वालों के अभी मेरा न्यू एम्पलीफायर है, तो मैं इसकी इसलिए हटा लेता हूँ।
तो उसके मैंने सीलें तोड़ दी हैं। ये कंपनी वालों की तरफ से सील लगी होती है, क्योंकि अभी वारंटी में एम्पलीफायर है मेरा, अब तो मैंने तोड़ दिया। वैसे अब ख़राब हो बेगा तो कंपनी वाले तो नहीं वापस करेंगे, वो कहेंगे अब आपने तो तोड़ दिया। तो हम इसको खोल लेते हैं। दोस्तों ये हो गया खोली हमने, अब जरा अंदर का सिस्टम दिखाते हैं। तो दोस्तों इसको मैंने ओपन कर लिया, आप ये देख सकते हैं। तो ये सिस्टम होता है इस एम्पलीफायर में रॉक मार्स के, आप ये देख सकते हैं। हर एम्पलीफायर में एक ही सिस्टम होता है, लेकिन फिर भी दोस्त मुझे कहते हैं आप दिखा दें हमें आपके एम्पलीफायर में क्या सिस्टम है। तो एक ही ट्रांसिस्टर लगा है, एक ही लगा हुआ है, दो बड़े ट्रांसिस्टर लगे हैं, दो दो एक पॉइंट पर लगे, ऊपर हीट सिंक लगी हुई हैं। तो उसमें कुल हो गए दो, ये 17 ट्रांसिस्टर वाला मेरा एम्पलीफायर है, 17। तो आपको मैंने पहले भी बताया था ट्रांसिस्टर का क्या काम होता है, ये हमारे सिग्नल को जनरेट करता है और हमारे एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल भी होते हैं, जो कि हमारे एम्पलीफायरों में इस्तेमाल होती हैं। तो इसमें थोड़े बहुत ये कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये आईसियाँ लगी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं, ये आईसियाँ लगी हुई हैं, थोड़े बहुत कैपेसिटर लगे हैं, PF कैपेसिटर लगे हुए हैं हमारे, आप ये देख सकते हैं। मेन दोस्तों आ जाते हैं हमारे B50C के, ये भी हमारे वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। और हमारे फ्रंट पे आ जाते हैं ये इनपुट केबल्स, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्त में से पूछते हैं आपका एम्पलीफायर की लुक कैसी है, तो दोस्तों बहुत अच्छी लुक, आप ये देख सकते हैं, बहुत प्यारा एम्पलीफायर बनाया, तो कि मैं चला रहा हूँ उसको, बहुत अच्छी बेस बनाते हैं बूफर से। तो आप ये देख सकते हैं अंदर से भी बहुत अच्छा है। तो हमारा दोस्तों एम्पलीफायर ये बिल्कुल रेडी है, आप ये देख सकते हैं, इसके उस पीछे कवर पे भी बहुत डस्ट आया, क्योंकि ये बंद होता है। तो ज़रा मैं इसको लगा लेता हूँ, आप ये देख सकते हैं अंदर, मैं इसको खोल के भी दिखा दिया है। तो मैं स्क्रीन को लगा देता हूँ वापस, तो ज़रा मैं स्क्रू लगा लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सभी स्क्रूज को लगा चुका हूँ, अब आ जाती है फाइनल टेस्ट को करने की, ज़रा हम लगा लेते हैं। आप ये देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर सही वर्क कर रहा है, हमारा एम्पलीफायर ऑन हो गया है। इसका मतलब कि ज़्यादातर फॉल्ट जो आ जाते हैं ट्रिप होने के लिए, वो अक्सर फ्यूज़ में आता है। आपकी बैटरी इसलिए फ्यूज़ कम पेयर के लगाए जाते हैं, ताकि आपकी बैटरी अगर ज़्यादा चार्ज आ गया, एम्पलीफायर को ज़्यादा करंट मिलता है, तो आपके उसके बोर्ड में मसला आ जाता है एम्पलीफायर के। तो फ्यूज़ का ये काम होता है कि आपके एम्पलीफायर को जिस तरह ज़्यादा करंट मिलता है, पास हो रहा होता है, तो साथ ही ये करंट इसके अंदर स्टोरेज हो कर, ये अपने अंदर वायर्स होती है, आप देखते हैं ब्रिक्स वायर होती है, ये वायर सेंटर से बर्न हो जाती है, आप देख सकते हैं। ये भी फ्यूज़ बर्न ही हुए हैं, क्योंकि मेरी बैटरी अक्सर फुल चार्ज होती है, तो मैं ज़रा इसकी ज़्यादा आवाज़ खोलता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से मेरा एम्पलीफायर में ये फॉल्ट आया है। तो दोस्तों परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ला कर नए लगा दें, बस आप ये इनकी ये देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन ठीक रहे, मतलब कि 15 एम्पीयर भी होती हैं, 20 भी होती हैं, 30, मेरे में ये 30 एम्पीयर के लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो कि मैंने 30 एम्पीयर के ही ला के इस पर लगाए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।